ये जितने बाइक्स जा रही हैं ये हायबूसा 8-8, 10-10 लाख की बाइक है, अपने अपना रॉयल एनफील्ड मजेदार जबरदस्त जिंदाबाद। जय बजरंग बली। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग है। नोएडा के सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं निकल चला हूँ गुड़गांव की तरफ, और वहाँ से मुझे ज्वाइन करेगा राजन, और वहाँ से हम आगे की तरफ जाने वाले हैं दमदमा लेक। ये है अपडेट अभी का, और कुछ इंजॉयमेंट के लिए कुछ चीज़ें हमने रखी हुई है, वो मैं आपको वहाँ जाने के बाद आपसे शेयर करूँगा। बहुत कुछ है जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। हल्की हल्की सी ठंड है, मज़ा आ रहा है राइड में। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पे, मैं बता दूँ मैं अक्सर बाइक राइड करता रहता हूँ, और आज मॉर्निंग बाइक राइड करने का मौका मिला है मुझे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत राइड जो थी वो कम हो गई थी। बट अब कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से नॉर्मल जो पटरी पर आना है वो आ जाऊँ। तो मेरे पास अगर बाइक की बात करूँ तो मेरे पास रॉयल इनफील्ड स्टील्थ ब्लैक 500cc है, और काफ़ी अच्छी बाइक है। पिछले 2.5-3 साल से मेरे पास यही बाइक है, और उससे पहले पल्सर थी और उससे पहले पैशन थी। तो लगभग 3 बाइक मैं अपग्रेड कर चुका हूँ। तो स्पोर्ट्स बाइक वगैरह भी अच्छे चला चुका हूँ, तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ से ये जो आप रोड देख रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को कनेक्ट करता है, अब यहाँ से स्ट्रेट जा रहा हूँ और महामाया फ्लाईओवर आएगा, और फिर वहाँ से आगे DND होता हुआ मैं दिल्ली में एंटर कर जाऊँगा। तो प्रॉपर गेयर्स पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं, और नी गार्ड्स वगैरह लगाया हुआ है मैंने, और उसके अलावा जो जैकेट्स है, एल्बो गार्ड और बैक गार्ड, वो सारा कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ राइड करता हूँ। कितने बड़े बड़े ट्रॉलीज जा रहे हैं, ये मारुति के कार्स हैं जो कि जा रहे हैं। 3 पहले पार हो चुके हैं, अब आगे 2 और दिख रहे हैं, एक और जा रहा है, मारुति लग रहा है, कुछ और भी हो सकता है, जनरली मारुति वाले ही होते हैं। अभी बहुत सारे जो कीड़े हैं ना वो गिर रहे हैं और पूरे बाइक पर टकरा रहे हैं, छोटे छोटे जो कीड़े हो जाते हैं ठंड आने से पहले और दिवाली तक जाके जो ख़त्म हो जाते हैं, वो छोटे वाले जो कीड़े होते हैं हरे हरे, वो बाइक से बहुत टकरा रहे हैं। अभी मुझे लगा एक बार को कि बारिश हो रहा है फिर तो देखा कि यार बारिश तो नहीं हो रही है, फिर ये टकरा क्या रहा है छोटे छोटे चीज़ें। तो जितने कीड़े थे, अगर आपको कैमरा में दिख रहा हो, आपको दिखाऊँगा जब मैं रुकूँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा, पूरे ग्लास पे हेलमेट के वही कीड़े चिपक गए। DND क्रॉस कर रहा हूँ मैं अभी, बस 9 सेकंड 8 सेकंड, इतने कीड़े उड़ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे हेलमेट के उस पर चिपक रहे हैं। तो बस यहाँ से बस गुड़गांव की तरफ निकल जाएंगे। ये लोकेशन बड़ा पसंद है मुझे, जो ये लुक बन रहा है ना, मेट्रो और फ्लाईओवर दोनों साथ साथ में, आप देखो बड़ा अच्छा लगता है। ये एरिया का नाम तो मुझे नहीं पता, कैंट के आसपास हूँ मैं अभी फिलहाल, कोई गांव है बसंत गांव हनुमान मंदिर के पास। ये लोकेशन बड़ा सही सा लगता है मुझे, बड़ा हाईटेक लगता है यहाँ से आप गुजरोगे तो। ये देखो न्यू पेंट हुआ, ये पहले पेंट नहीं था यहाँ पे,
काफ़ी जाम लगता था यहाँ पे, पर अभी ठीक है, बढ़िया है, मजे करो। ये बात कार सर, बाइक और कार, ये जितने बाइक्स जा रही हैं, ये हायबुसा 8-8, 10-10 लाख की बाइक है, अपने अपना रॉयल एनफील्ड मजेदार जबरदस्त जिंदाबाद। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अब देखो यहाँ पर कई सारे बाइकर्स, ये तो सारे रॉयल एनफील्ड वाले हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? देख रहे हैं ये सारे के सारे डोमिनार वाले हैं। तो सामने जो देख रहे हैं ये राजन भाग ने भाई ने नई बाइक ली है और हिमालयन है और BS6 मॉडल है, तो पूरा सेट कर लिया है इन्होंने। ये बाइक आप देख सकते हैं बड़ी शानदार है और नए लाइट्स लगवाए इन्होंने, और अभी उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए एक कैमरा यहाँ लगाया है, एक कैमरा वहाँ लगाया है, तो ऑल सेट है। चलो जय बजरंगबली। तो भाई लोगों राय बाइक राइड स्टार्ट हो चुकी है, राजन भाई पीछे, हा हा हा। तो गाइज अभी अभी राजीव चौक क्रॉस किया है और जो एग्ज़िट नंबर 10 है, और सामने जो आप देख रहे हैं ये सुभाष चौक है, इसका जो काम है पिछले कई सालों से चल रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 4 साल पहले मैं इस रोड पे लगातार आया जाया करता था और अभी भी इसकी हालत ना वैसी की वैसी है, और इतना ज़्यादा जाम लगता है। अगर आपका ऑफिस एग्ज़िट 10 के पास गुड़गांव में है तो आपको इस बात का तो पूरा आइडिया होगा कि कितना जाम लगता है भाई साहब। अभी अब तो यहाँ अंडरपास बनने लगा, पहले फ्लाईओवर बना ऊपर से, अब अंडरपास बन रहा है। हल्की हल्की सी धूप निकल चुकी है, यक। हर तरह के रास्ते आपको मिलेंगे गुड़गांव में, खराब भी अच्छे भी। क्या बात है राजन भाई, बोले गुड़गांव का एक्सपीरियंस कैसा है पहले का कभी?
ऐसी इधर है। हाँ यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, आगे जाके सिंगल रोड हो जाएगा। हाँ और बड़ी परेशानी होगी फिर, क्योंकि हाँ और गांव वाला इलाका आ जाएगा, फिर वहाँ आपको संभल संभल के चलाना पड़ेगा। तो गाइस अभी बस सोना रोड की तरफ से लेफ्ट लिया है, 10 किलोमीटर यहाँ से दमदमा लेक है और सिंगल रोड चालू हो चुका है, गांव वाला रास्ता है, एक तरफ खेत दिख रहा है एक तरफ घर है, और बस हम चले जा रहे हैं और राजन भाई आगे। अभी पिछले कुछ दिनों से फीडबैक तो दमदमा लेक का यही था कि दमदमा लेक का जो पानी है वो सूख चुका है, और पता नहीं वहाँ जाने के बाद मालूम चलेगा। बहुत पुराना स्टोरी, जब आज से करीबन 8 से 10 साल पहले मैं गया था दमदमा लेक, और उसके बाद आज जा रहा हूँ, बड़ा ही डिफरेंट फीलिंग है, मज़ा आएगा कि 10 साल और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है। बताऊँगा वो स्टोरी 10 साल पहले कैसे गया था, वो भी एक अपने आप में कॉमेडी है तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। पहुंच चुके हैं दमदमा लेक, और दमदमा लेक में हालत लेक की ये है, पानी तो अभी काफ़ी ज़्यादा कम है और ठीक है, फॉर एन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, आप देख सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं। और राजन भाई की बाइक, यहाँ मेरी बाइक, झूले वूले लगे हुए हैं, और एक अलग ड्रोन शॉट लेते हैं यहाँ से, फिर ठीक रहेगा, फिर निकलते हैं चाय वाय बनाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो हल्की हल्की सी धूप हो गई है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है, 8:17 स्पॉट पे। और जो पहले वाला स्पॉट था वो जहाँ झूले वूले आपने देखे थे वो उतना मज़ेदार नहीं था, और बहुत ज़्यादा क्राउड आ चुका था, रॉयल इनफील्ड का ग्रुप है और भी जो लोकल लोग हैं वो भी वहाँ पर थे, तो मज़ा उतना नहीं आ रहा था। तो अभी हम क्या किए कि हमने अपना जो लोकेशन है वो चेंज कर दिया, तो क्या जो लेक है, लेक के बस हम साइड में हैं खड़े हुए, और यहाँ पर खड़े होने का भी जगह आपको साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा, तो ये सोच के मत आइएगा कि आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है। ओके ओके है, तो यहाँ पर बिता सकते हैं, उसके बाद बस आप निकल जाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं है देखने के लिए। ये एक लेक है जो कि बस अब लग रहा है सूखने के कगार पर है, और बाकी सब ठीक है। हाँ भाई, चाय बनाने वाले हैं, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। हैं, तो मैं अकेले राइड पर नहीं आया हूँ, जैसा आपने देखा भी होगा राजन भी मेरे साथ आया हुआ है, तो राजन वहाँ खड़ा है, और चाय का सामान लेके आए गाइस, चाय हम बनाएंगे बराबर अपनी, जैसा हमने मनाली में जो चाय बनाया था आपने देखा था, तो इस बार फिर से हम चाय का सामान लेके चलते हैं, क्योंकि चाय बाहर से नहीं पीनी है हमें, चाय खुद बना के पियेंगे, चाय ज़रूरी है, इसलिए हम चाय का सामान खुद से ही लेके आते हैं, और राजन के पास पूरा सेटअप है, तो फिर पूछना क्या बात है, फिर तो चाय बनाओ पियो और चलते बढ़ो। तो हमने पूरा नाश्ता वास्ता का सामान भी लेके आए हैं, तो हाँ। वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हम लेके आए हैं, लोकेशन देखते हैं कहीं भी एक ना अच्छी सी कहीं पे बैठेंगे। हाँ लोकेशन देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है लोकेशन, लोकेशन ही नहीं मिल रहा हमें, सबसे दिक्कत की बात है। तो राजन का अपना चैनल है राजन व्लॉग्स, आपने देखा होगा, तो उसकी इंस्टाग्राम आईडी, उसका चैनल का नेम वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नए लोकेशन पर और चाय पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जगह हमने देख लिया, खाली खाली सा है, ठीक है, शांति है, पत्थर है वहाँ पे, चबूतरा लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आराम से बैठ के चाय बनाया जा सकता है, तो ये ज़रूरी थी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, 9 बज चुके हैं,
तो लेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो बाइक खड़ी है इस साइड और हम बना रहे हैं चाय। तो राजन भाई इस बार चाय बना रहे हैं। आप बना रहे चाय। पिछली बार मैंने बनाई थी गाइस मनाली में, अब के बार इनका नंबर है। तो इस बार मैं चाय बना रहा हूँ। लगभग सारा सेटअप हमने कर लिया है। एक दीवार दिख गई थी कहीं जंगल में, तो बस हम वहाँ रुक गए हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि हम कहीं अच्छी लोकेशन की तलाश में थे, बट ऐसा था कि बस हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, बस इतना था। इसलिए बस रुक ही गए और बस जल्दी से बना बनो के और यहाँ चाय पी के फिर निकल जाएंगे आगे। नहीं तो ये लोकेशन में पता नहीं कुछ ज़्यादा ना पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है यहाँ। देर में सांप आएगा चाय मांगने, इसलिए हम ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं। काम खत्म करेंगे, घूम लिया है, अब यहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये चाय का पूरा सेटअप है। पानी ज़्यादा डाल दिया आपने, कलर नहीं आ रहा चाय में। चाय पत्ती कम थी इसलिए चाय का कलर नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा, अभी खोलेगा तो आ जाएगा। आ रहा कुछ हमारे पास मिलाने के लिए नहीं है ना। अभी आएगा। उठाने का नंबर आ गया। राइडर्स जैकेट पहन के पहली बार किसी को चाय बनाते हुए आप देख रहे होंगे। राजन चाय बनाते हुए करना है, तो सेम रास्ता दोबारा दिखाने का कोई मतलब ही बनता है। तो ये वीडियो को हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। गाइस ऐसा है कि बहुत ही जल्दी एक लंबी राइड प्लान करने वाले हैं हम दोनों, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो अनीश भाई को और राजन ब्लॉग्स को भी देख लेना। तो जो नई वाली जो राइड होने वाली है बहुत अच्छे आपको शॉर्ट्स उसमें देखने को मिलेंगे, नज़ारे देखने को मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी जो नई राइड है वो हम प्लान कर रहे हैं और फिर आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।